दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि फिलहाल हम लोग खड़े हैं एक छोटे से आइलैंड के ऊपर, तो प्यारा आइलैंड है। यहाँ पर आज का हमारा कुकिंग वगैरह सब कुछ होने वाले। तो आइलैंड के साइड से ना दो नदियां, छोटा छोटा दो नदियां गुजर रहे। तो हमारे दाएं तरफ भी देख सकते हो एक प्यारा नदी है। तो कभी भी हम लोगों को गर्मी लग जाए तो यहाँ पर हम लोग आएंगे नहाने को, क्योंकि गर्मी का सीजन एकदम से आ चुका है। तो फिलहाल इस खूबसूरत सी जगह पर आज हमारा कुकिंग वगैरह सब कुछ होने वाला है और कुछ यूनिक कुकिंग आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए। तो चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, इस तरफ हमारा आलू ग्रेडिंग चल रहा है, क्योंकि दोस्तों आज हम लोग बनाने वाले पनीर पकौड़ा। तो यहाँ पर हम लोग आलू को पहले ही बॉइल कर रखा था, इसको हम लोग ग्रेडिंग कर लेंगे और इसके बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा कैरेट। तो यहाँ पर कैरेट भी देख सकते हो हमारा ग्रेड किया हुआ चल रहा है और इसके बाद हम लोग डालेंगे जो हमारा ग्रेड किया हुआ आलू है उसके अंदर। और देन दोस्तों हमारा जो आलू है, आलू को हम लोग तैयार करेंगे। तो पहले डाल दिया नमक, थोड़ा सा हम लोग नमक डालेंगे और इसके बाद डालेंगे हरा मिर्च का पेस्ट, क्योंकि हमारे पास चिली तो नहीं है इसलिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डालेंगे गर्म मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर और इसके बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला। तो यहाँ पर देखते तो सारा जो मसाला है यहाँ पर डालना हो चुका है और इसके बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेंगे बढ़िया तरीके से। और गाइस, जो मेन चीज है वो है पनीर, इसलिए पनीर को तो हम लोगों ने कट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग पनीर को ना क्यूब क्यूब में कट कर लेंगे, क्योंकि आलू के अंदर जाएगा पनीर। तो चलो यहाँ पर पनीर को क्यूब में कट कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग तैयार करेंगे बैटर को, जो कि हम लोग आज हम लोग बनाने वाले हैं पनीर पकौड़ा। इसलिए यहाँ पर हमारे पास है बेसन, बेसन को हम लोग रेडी करते हैं। तो चलो पहले दोस्तों हम लोग डालेंगे बेसन, ढेर सारा बेसन। इसके बाद हम लोग डालेंगे कॉर्नफ्लावर, तो अभी दोस्तों हम लोग डालेंगे नमक और इसके बाद डालेंगे पानी। तो फाइनली गाइस हम लोग मेन मेकिंग प्रोसेस में आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा आलू है और इस तरफ है पनीर। तो आलू को पहले हम लोग थोड़ा सा फैलाएंगे और इसके बाद पनीर अंदर में डाल के इसके हम लोग गोल गोल रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो तो एक हमारा जो पनीर है, पनीर पकौड़ा का जो पनीर पकौड़ा है वो एकदम प्रॉपर शेप के आकार में आ चुका है। तो इसी प्रोसेस से हमारा जो दूसरा पनीर का पकौड़ा है उसको भी हम लोग बढ़िया तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चलो सारे पकौड़े को तैयार कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमारा हाथ में देखो पनीर पकौड़ा बन के रेडी हो चुका है। तो इसको हम लोग तेल के अंदर तलेंगे। तो चलो पैन बैठाते हैं, यहाँ पर हमारा स्टोव देखो तो जल चुका है। तो फिलहाल हम लोग बैठेंगे पैन को और हवा का बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इसलिए चारों तरफ से हम लोग ने थोड़ा कवर किया इसको। तो अभी हम लोग डालेंगे तेल, तो पैन हमारा गर्म हो चुका है प्रॉपर। तेल गर्म हो चुका है तो छोड़ते हैं हमारा पनीर पका रहा है। तो यहाँ पर बैटर में हम लोग इसको डीप करेंगे, इसके बाद हम लोग छोड़ेंगे तेल के अंदर। दूसरा भी एक ही तरीके से हम लोग इसको छोड़ेंगे। तो जैसे कि दोस्तों फिलहाल यहाँ पर देखते हो सारे पकौड़ा फ्राई हो रहा है और गाइस नीचे वाला जो हिस्सा है ना वो प्रॉपर फ्राई हो चुका है, इसलिए हम लोग इसे पलट देंगे। तो सारे पकौड़ों को पलट देते हैं। तो फाइनली दोस्तों बहुत टाइम के बाद हमारा जो पनीर पकौड़ा है तलना हो चुका है, तो इसे हम लोग निकाल लेंगे तेल से अंदर। तो सारे पकौड़ा जो है इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों बहुत टाइम के बाद हमारा पनीर पकौड़ा देख सकते हो यहाँ पर बढ़िया तरीके से फ्राई करके रेडी हो चुका है। तो फिलहाल इसको प्लेटिंग करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हो इतना मेहनत के बाद हमारा जो पनीर पकौड़ा है यहाँ पर देखते हो बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने डेकोरेट किया और फुल फिल प्रॉपर फ्राई हो चुका। देखो यहाँ पर चटनी वगैरह सब कुछ देखे हम लोगों ने थोड़ा सा डेकोरेट किया। और गाइस आज का मौसम ना इतना बढ़िया है और सूरज हमारे एकदम सिर के ऊपर है, इसलिए देख सकते हो सूरज मुंह में आके लग रहा है। तो देख सकते हो नदी के किनारे फिलहाल हम लोग खड़े हैं और इस खाने को एंजॉय करते हैं। तो चलो
तो जैसे कि दोस्तों फिलहाल हम लोग इस फूड को एंजॉय करते हैं इस बेहतरीन सा प्लेस पर, और ये बार दिख रहे हो पनीर दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये पनीर पकौड़ा है ना, तो पनीर के अंदर तो मछली वगैरह तो नहीं दिखेगा। तो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कौन सी जगह अच्छा लगा और कौन सी जगह आप लोगों को लगता है कि ऐसा हो तो अच्छा लगेगा, तो आप लोग जरूर कमेंट में बताना, और ऐसी वीडियो और आप लोगों को हम लोग देते रहेंगे। तो मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।